नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे प्रतापगढ़ जिले की हर खबरों की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा से, जहां नेपाल की एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बरई गांव के समीप प्रयागराज लखनऊ रेलवे लाइन पर ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह एक महिला का छत बिछत शव देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने शव का शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव का शिनाख्त नहीं हो सका। कोतवाली पुलिस ने रेलवे पुलिस को भी महिला के शव मिलने की सूचना दी। पुलिस महिला के शव की शिनाख्त में लगी हुई थी। इसी बीच महिला का बेटा मनोज जीआरपी प्रयागराज में अपनी मां को खोजते हुए पहुंच गया, जहां पर उसने जीआरपी के दरोगा शमशेर खान को बताया कि वह पड़ोसी देश नेपाल के दांग जनपद के तुलसीपुर गांव का रहने वाला है। 43 वर्षीय मां कल्पना विकल मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज मुंबई से चल रहा है, जहाँ से वह अपनी माँ का उपचार कराकर लोकमान टर्मिनल ट्रेन से प्रयागराज पहुँचा था और वहाँ से मंगलवार की सुबह त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर लखनऊ जा रहा था। इसी बीच उसे नींद लग गई। जब रायबरेली पहुँचने पर उसकी नींद खुली तो देखा माँ गायब है। जीआरपी के दरोगा ने बताया कि कुंडा में एक महिला का शव मिला है। उसके बाद कोतवाल से बात की गई। कोतवाल द्वारा पहचान बताए जाने पर उसके बेटे को अपने माँ के शव की शिनाख्त के लिए कुंडा कोतवाली बुलाया गया, जहाँ से पुलिस के साथ उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। मनोज ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की मौत सालों पहले हो चुकी है, मां की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, जिसका इलाज कराने के लिए वह मुंबई आया था। अगली खबर पट्टी से है, जहां अधिवक्ताओं ने पट्टी कोतवाल का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। तहसील के एक अधिवक्ता के साथ कोतवाल द्वारा की गई बदसलूकी से अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। आज लगातार दूसरे दिन अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार को हंगामे के बाद मंगलवार को भी तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर जमकर नारेबाजी की और पट्टी कोतवाल नरेंद्र सिंह का पुतला फूंक दिया। अधिवक्ता कोतवाल नरेंद्र सिंह से आर पार के मूड में है और जमकर विरोध कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता हित सर्वोच्च है। कोतवाल द्वारा अधिवक्ता के साथ की गई घटना की अधिवक्ता समुदाय निंदा करता है। अगली खबर कंधई थाना क्षेत्र से है, जहां शौच को घर से निकली किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। कंधई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी रविवार की देर शाम घर से थोड़ी दूर पर खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान पड़ोसी गांव का एक 35 वर्षीय युवक उसके पास पहुँचा और उसका मुँह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकला। किशोरी घर पहुँची और अपनी आप बीती माँ को सुनाई, जिसके बाद किशोरी के पिता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने देर न करते हुए सरसीडीह गांव निवासी संजय कुमार के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आरोपी युवक किशोरी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। देखिए पूरे मामले में क्या कहना है सीओ का। थाना कंधे के अंतर्गत ग्राम सरसी खाम में नाबालिग किशोरी के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर FIR पंजीकृत कर ली गई है और साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कंधई थाना क्षेत्र में जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ, तो वहीं कुंडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को उसका एक रिश्तेदार ही बहला फुसला कर भगा ले गया। मामला बीती 10 फरवरी का है, जब शाम को लगभग 7 बजे किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने बहुत खोजा तो पता चला कि हदगवां थाना क्षेत्र के मिश्र दयालपुर गांव का उसका रिश्तेदार विपिन सरोज पुत्र राम प्रताप किशोरी को बहला फुसला कर ले गया है, जिसके बाद किशोरी के पिता ने कुंडा कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किशोरी बरामद नहीं हो सकी। जहां एक ओर किशोरी को ढूंढने में कुंडा पुलिस नाकाम है, तो वहीं दूसरी ओर परिजन अनहोनी की आशंका से भयभीत हैं। अगली खबर महेशगंज थाना क्षेत्र से है, जहां नहर की पटरी टूटने से दर्जनों घरों में पानी घुस गया। बता दें कि हीरागंज रजबाहा की पटरियों पर अवैध खनन करके कुछ लोग मिट्टी उठा ले गए, जिसके कारण नहर के हेड से लेकर लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह पटरी टूटने के आसार बने हुए थे। कल देर शाम गुलनार गाँव के पास नहर की पटरी टूटने से कई घरों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन के बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि नहर की टूटने से दर्जनों घरों में पानी पहुंच गया।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।